इमरान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग इमरान, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मदिया, आप कैसी हैं? ये जिम का टाइम है, ये तुम्हारे जिम का टाइम है। आज तुम्हारी वजह से जिम मिस किया है मैंने। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? कितनी बड़ी कुर्बानी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? तो ऑकवर्ड लग रहा है ना, नेशनल टेलीविजन के सामने। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? अच्छा इमरान, आपको पता तो होगा जो हमारा स्पेशल शो है ये हम सनम के लिए कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं इनको इतना ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि अभी ये जा रही हैं अपने मियाँ के पास और वो कह रही कि अभी वहां जाके देखेंगी कि उनको रुकना है आना है, बिकॉज ऑफकोर्स जब आप जा रहे हो तेरा पाकिस्तान ये तो अमरीका डिसाइड करेगा कि उसने रुकना है कि आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अब तो माशाल्लाह से क्योंकि जो बेटी है वो भी उसका भी वीजे के जो इशू बता रही थी कि वो सॉल्व हो गया है, तो क्या ऐसी चीज है जो कि एडवाइस देना चाहेंगे आप? एडवाइस एग्जैक्टली, क्योंकि जब वहां जा रही है सनम। सनम अमेरिका से वापस आना है तो 10 किलो कम करके आना। ये मैं जो ना सनम से हमेशा कहता हूँ कि सनम ये इतनी अपनी दुनिया में मस्त लड़की है, इसको कोई फिक्र नहीं होती, इसने जो करना है वो करना है, इसको ये अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट्स यूज करती है, अपनी मर्जी से ये कमर्शियल्स यूज करती है, इसको इतनी ऑफर्स होती हैं। लेकिन रात के एकदम 2 बजे कॉल आएगी 3 बजे, इमरान तुम्हें पता है मुझे ये चीज ऑफर हुई है, करूं या ना करूं, यार इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं तो मैं इतने मांग। अच्छा ये इतनी कोई ह्यूमंगस अमाउंट बोल देती है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं सनम ये जरा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और आप यकीन करें लोग इसको उससे भी ज्यादा दे देते हैं। मैं कहता हूँ ये क्या इसके पास दूर है कि माशाल्लाह इसकी सारे लोग बात भी मान लेते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी, और बस ये मेरी बात नहीं मानती। मैं तो कहता हूँ सनम अब तुमने इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, अब तुमने जिम करना है, हाँ इमरान बस, और थोड़ी देर बाद पता चलता है क्या कर रही हो, मैं ये खा रही हूँ यार, तुम नहीं सुधर सकती। जब से इमरान के साथ मैंने काम किया, ही सो पर्टिकुलर अबाउट हिज यू नो अबाउट हिज फूड एंड बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है, यू नो जिम। और तो मैं कहती हूँ तुम्हें जिम जाने का टाइम कब मिलता है? कहता है मैं भी उसी शूट पे आता हूँ जिस शूट पे, तो मैं वक्त निकाल लेता हूँ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? वो देख के भी लगता है क्योंकि वो टिक्का खाएगा, वो चावल नहीं छुएगा, और बस मैं दिल में मुस्तसे यूं ही देख रही हूँ, मतलब वाह यार माशाल्लाह ही इज अमेजिंग, लाइक मन मानना पड़ता है। अच्छा सनम की पर्सनालिटी में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, और अगर कोई एक चीज जो आप सनम से कहें कि सनम ये चीज जरा अदर देन ये कि वो आपकी बात नहीं मानती व्हेन इट कम्स टू राइटिंग या वो क्या कहते हैं वर्कआउट, क्या आप उनकी ऐसी बात है जो आप कहते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो? ये अपने मेरा ख्याल है कि मेरी इतनी परफेक्ट दोस्त कोई और भी नहीं, कोई भी और, हर तरह से मुझे सनम के अंदर जो परफेक्ट दोस्त मिलता है ना, ये आपकी प्रॉब्लम्स में भी आपके साथ खड़ी होती है, आपकी आपकी मसले भी आपसे शेयर कर रही होती है, अपने मसले भी आपकी बात भी सुन रही होती है, और अपने अपने शोहर से इतना प्यार करती है, अपनी फैमिली से इतना प्यार करती है, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका करियर जो है ना इसके लिए सेकेंडरी है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट की फैमिली, अपनी अपने बच्चे, अपना शोहर अजीज है, और अभी भी ये जब मैं सोच रहा हूँ कि 2 महीने के लिए जाएगी तो आपको होता है ना कि आपका अपना कोई दोस्त इतना प्यारा, अपने शहर से कई कई साल ना मिले लेकिन आपको पता होता है कि वो आपके आसपास ही है, तो एक आपको तसल्ली होती है, जस्ट अ फोन कॉल। तो 2 महीने के लिए हम उसको बहुत बहुत मिस करेंगे। हाँ, मुझे कह रहे हैं लंदन लोगों मुझसे लंदन आ जाना मिलने, मैंने कहा अच्छा इमरान कभी झगड़ा हुआ सनम से? नहीं कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं, मैं अमेरिका आ जाऊंगा मिलने के लिए। ऑनेस्टली ये इतनी प्यारी रूह है और इतनी प्यारी मेरी दोस्त है, इतनी प्यारी लड़की है कि जो भी इसका मेरा ख्याल है साथ जिसने वक्त गुजारा होगा उसको अंदाजा होगा कि सनम कितनी जर्नल है और कितनी अच्छी दिल की लड़की है। मतलब मैं ऐसे मेरे शायद मैं बिल्कुल खुले उससे दिल से कहता हूँ कि दोस्त मेरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। एक्चुअली इमरान खुद इतना जेन्युइन इंसान है तो उसको सब ऐसे ही लगते हैं ही, मतलब ये ना किसी की बुराई ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस, बड़े इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद इंडस्ट्री में ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से पहली दफा जिनके साथ मैंने काम किया था कि आप इतना कंफर्टेबल फील करवाना कि जैसे कि मैं कुछ हूं ही नहीं आप, मतलब तो ये बात ये बड़ी बड़ी बात है, बड़े जर्व की बात है। थैंक यू सो मच इमरान, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जिम की आज के दिन की कुर्बानी दी। पैसे आपको ट्रांसफर कर दूंगी इमरान मेरी तारीफों के करने के लिए। ऐसे दोस्त बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं जो आपके साथ रहे और आपको चीयर अप करते हैं। बिकॉज़ आपके दोस्त वही होते हैं जो आपके बचपन के होते हैं, राइट? तो आप काफी लोगों से पूछेंगे इंडस्ट्री में कोई दोस्त, तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन मेरे कुछ बहुत कम थोड़े से दोस्त बने और नंबर 1 पे इमरान है। लेट मी जस्ट टेल यू कि मैं रात को भी फोन करूं, ही इज ऑलवेज देयर, कोई बात करूं तो जेन्युइन एडवाइस, कोई
छुपाना नहीं, कोई दोगलापन नहीं, तो वो बड़ा एक मैटर करता है, बड़े दोस्ती बहुत मैटर करती है। अच्छा जी, टिश्यू ला देगा प्लीज, ये मेरा पुराना मसला आंख से आंसू निकलने शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, हम टिश्यू जो है वो टिश्यू मुझे दे दीजिए, जब तक आ रहा है जब तक अपना काम करते हैं। अच्छा जी, आईना बोलता है और आईने में बोलेंगी सनम, और सनम से हम कुछ पूछेंगे सवालात, सो ये देखते हैं कि सनम हमारे आईने से जो है वो कितना सच है वो बोलती है। ये जनाब, ये टिश्यू भी आ गया, वाह 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 क्या। अच्छा मुझे पुराने दिन याद आ गए, वो होता था ना हम छुपते छुपाते हुए, वो बंदा खड़ा हुआ टिश्यू लेके यू कर रहे हैं और वो वेट कर रहा है कैमरा स्विच हो तो हम भाग के आके दे। अब तो मैं इतनी कैजुअल होगी, मैं कहती हूँ आ जाओ यार, कुछ नहीं होता, सबको पता है। सॉरी, सबको पता है, लाइव शो में चीजें होती हैं, सबको पता है। अच्छा जी, आप देखेंगे आपके पीछे है आईना, ठीक है, और मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी जल्दी जल्दी, आपने जल्दी जल्दी जवाब भी देना है, ठीक है? ओके, आईने में, हाँ आईने में देखते हुए। अच्छा जी, पाकिस्तान से बाहर जाके अमेरिका जाकर आप पाकिस्तान की कौन सी एक बात सबसे ज्यादा मिस करेंगी? पेरेंट्स और गलियां और आराम से इधर से, मैं कंफर्ट जोन बेसिकली, इधर उधर कहीं भी पहुंच जाना, दोस्तें, रातों को निकलना। और वहाँ पे दर्जी भी बड़े याद आएंगे अपने जिनसे काम करा। हाँ, दर्जियों से तो मेरा वास्ता नहीं रहा, लेकिन हाँ से कम्फर्ट, मेरी बहन ने मेरा कपड़ा बना देना, अनम जंग का स्टोर, सब मिस करूंगी। कोई ऐसा एक्टर जिसको आप मीठी छुरी का टाइटल देंगी? किसी को नहीं, किसी को नहीं। बचपन के निकल रही है। जब वजन बढ़ा था सबसे ज्यादा टफ टाइम किसने दिया था? ऑडियंस ने। ओह माय गॉड, वैसे वाकई में नॉट रियली ऑडियंस, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ सम पीपल जो इंस्टाग्राम पे, वो थोड़े बहुत बस, जिनको जिंदगी में और कोई काम नहीं होता, अपनी सारी जिंदगी की नेगेटिविटी वो आपकी आप पर निकाल देते हैं। साम तो बहुत सपोर्टिव था थ्रू आउट, लेकिन अभी देखे ना इमरान ने बोला कि 10 केजी वजन कम करके आ, वो बिकॉज मैंने इमरान ने कहा ना बेटा तुम देखना, अब तुम देख रहे, तो कहता है मैं देख ही रहा हूँ, मैं कब से देख रहा हूँ, कब होगा। तो वो हमारा एक 3-4 साल से ये चल रहा है, अब देखना वो कहता है दिखा दो बहन बस करो। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे, बस हेल्दी होना जरूरी है कि आपकी अच्छी हेल्थ रहे। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप बहुत कम काम करना चाहेंगी मिरर में देखते हुए? हाँ नहीं, ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैंने काम ही कम किया तो मुझे पता नहीं, मैंने 4-5 सीरियल किए तो मुझे पता नहीं कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ कम काम करना चाहिए। जबरदस्त, अगर ऑप्शन मिले किसी एक का नंबर ब्लॉक करने का तो वो कौन होगा? मैं आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, जाहिद अहमद, एहसन खान या फान वहीद। None of them, यार. एक नहीं, एक अब सवाल है ये, क्यों मैं करूंगी? जाहिद के साथ मैंने काम किया है, जाहिद इज अ ग्रेट गाय, जाहिद से आई एम इन टच, ठीक है। अफान के साथ अभी काम किया है, ही इज सच अ लवली पर्सन। होती इससे कौन सा? एहसन खान। एहसन तब प्यार है, मैं उसका, एहसन से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आई मीन ही इज अ लवली फ्रेंड, उसका भी मैं क्यों ब्लॉक करूंगी? लेकिन किसी एक का, किसी एक का क्यों करूं ब्लॉक? भाई एक सवाल है ना कि अगर करना पड़े तो किसका करेंगी, किसको ब्लॉक करूंगी मैं? नहीं, मुझे जाहिद का नाम नहीं लेना, वो कहेगा कि हमेशा मेरा नाम ले लेती है जहाँ बचने की बारी आती है। एहसन का भी नहीं है, वो एहसन की बारी, एहसन ने तो आ जाना है, एहसन ने कहा तुम ब्लॉक करोगी, इससे पहले मैं तुम्हारा कहते नहीं, एहसन बहुत प्यार है बेचारा। तो अफान भाई प्लीज मुझे कोई और बता, नहीं अफान भी नहीं, प्लीज मुझे नहीं करना किसी का, अच्छा किसी का नंबर ब्लॉक नहीं करना जी। मीडिया में कॉपी कैट का टाइटल आप किसको देंगी? कॉपी कैट का टाइटल मैं किसको दूंगी? क्या कितने मुश्किल सवाल है। वैसे अब तो कॉपीकेट वो है ना, थिएटर वाले भी है ना, I don't know, जो 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 वैसे किसी की कॉपी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, कोई भी ताबिश, ताबिश ताबिश को। अच्छा जी।